ये बिरयानी है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी यहाँ अच्छे हैं। और अभी बज गया है सुबह का 7:20, तो अभी से मैं अपना ब्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब नए तरीके से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज जैसे कि गर्म तो आप लोगों को पता ही है कि 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्म पड़ गया, तो हम लोग ऊपर नहीं सोए थे, आज नीचे सोए थे, नीचे वाले रूम में। तो अभी हम लोग जैसे कि विंडोज़ वगैरह खोल दिए, इतनी गर्मी कि मत पूछो, मतलब पसीना छूटे जा रहा है फैन चलने के बावजूद। तो दोस्तों, अभी मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, बाहर वगैरह धो लिया है। तो अब मेरा बेटा भी यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर वो अपना सामान को देख रहा है कि वो क्या करेगा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा है दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम आप लोगों को नीचे दिखा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए 7:45 और मैं यहाँ पे बकबक करने के लिए आ गई। मैं पुआ के घर आई हूँ, मतलब मेरे काकू के घर आई हूँ, जहाँ पे पुआ लोग रह रही है अभी। तो ये लोग सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं इन लोगों को जाने नहीं दूंगी। नहीं जाना आज गई तो देख लेना, आज मैं इन लोगों को जाने नहीं दूंगी, कल सुबह इन लोगों को भेज दूंगी। तो आज जाने नहीं दूंगी, किसी तरह उन लोगों को रोकूंगी। और दोस्तों, क्योंकि मन खराब हो जाएगा ये लोग चले जाएंगे तो। और अभी मेरा बेटा आ गया, मेरी पिसियाँ बैठी है और मेरा बेटा भी बिस्कुट का मजा ले रहा है, यहाँ पे रखा हुआ था बिस्कुट, उसको खाने क्रीम खा लेगा, उसके बाद उल्टी कर देगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। भाई, तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ गुल्लर तोड़ने के लिए। गुल्लर मेरे काकू के घर के पीछे ही है, ये लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, डॉक्टर ने मेरे पापा को खाने के लिए सजेस्ट किया है, तो हम लोग भी खाते हैं। तो आज गुल्लर की सब्ज़ी बनेगी शायद घर पे, इसलिए मम्मी बोल रही है तोड़ लो। तो अभी नीचे से नहीं हुआ, तो मेरी बहन अंदर से, घर के अंदर से जो सीढ़ी वाला घर होता है उससे वो तोड़ रही है, और मेरा बेटा वहीं पे उसको चिल्ला रहा है कि आप अंदर से क्यों तोड़ रहे हो। तो अभी जितना होगा वो हम उठा लेंगे। चुन के मैं पॉलीथीन में डाल लूँगी, और सबको मिल के हम लोग चुन रहे हैं, बहुत सादा हो गया है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं खाना प्रीफर करती हूँ और सबको आज खिलाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गया है सुबह का 9 और हम लोग चल रहे हैं थोड़ा बाजार। तो बाज़ार में जैसे कि कुछ सामान लेना है, मतलब सब्जी वगैरह। तो आज मैं सब्जी वगैरह पहली बार ले रही हूँ आप लोगों के साथ, मतलब मैं बाज़ार में कभी भी आप लोगों को पता है कि शॉपिंग नहीं करती हूँ, पापा ही करते हैं, लेकिन आज मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पापा नहीं है, आप लोगों को पता है। पापा नहीं है मतलब पापा डॉक्टर पास गए हैं। हाँ, मतलब वही डॉक्टर के पास गए हैं, मतलब मैंने आप लोगों को पता है कि पापा कल रात को कोलकाता गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, सब्जी बाज़ार में आप लोगों के साथ मैं क्या क्या शेयर करती हूँ, आप लोग बने रहना मेरे वीडियो के साथ, और आप लोग देखना और स्किप मत करना दोस्तों। बाय बाय कर लो, बाय, बाद में मिलते हैं। ये वीडियो का एंडिंग नहीं है, बस अभी के लिए बाय। बेटे को देख सकते हो दोस्तों, हीरो वाला लुक लेके बैठा हुआ है। और अभी हम लोग सदर अस्पताल से होते हुए जा रहे हैं मार्केट, ये फूलो झानो मेडिकल कॉलेज है हमारे दुमके का। तो दोस्तों देख सकते हो,
रिक्शा में है और आज शुक्रवार का दिन है तो फिर यहाँ पे बकरी गाय ये सब का बाज़ार होता है, तो यहाँ पे बकरी का जो खरीदना चाह रहे हैं वो यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं। तो यहीं पे इसीलिए बकरी को खड़ा किया गया है और जो चाहेगा वो उठा के लेके जाएगा, मतलब खरीद के लेके जाएगा। तो हम लोग भी यहाँ से होते हुए दुर्गा स्थान बोलते हैं इस जगह को, तो दुर्गा स्थान मोड़ होते हुए हम लोग भी बाज़ार की ओर चले जाएंगे। और देख सकते हो दोस्तों कि मैं बाज़ार में आ गई हूँ और अभी बेल खरीद रही हूँ। बेल बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप लोग को पता ही है, और मेरे घर में बेल सब कोई खाता है, तो मैं बेल को ले लूँगी। और लेने के बाद सोच रही हूँ आज कटहल लूँ और पाट का साग लूँगी, और ज़्यादा कुछ नहीं, घर पे सब सब्ज़ी है। तो मैं सुबह सुबह पहली बार ज़िंदगी में आज बाज़ार में आई दोस्तों। इससे पहले मैंने कभी भी सब्ज़ी का या फिर मीट का या मछली का कभी भी ख़रीदारी अकेले नहीं किया है, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है मेरा। अभी मैं आ जाऊँगी सब फल सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी में मैं साग लूँगी दोस्तों, मेरा ये साग फेवरेट है, आप लोग को पता ही है। मैं आ गई हूँ विजया स्टोर। विजया स्टोर से मैं लूँगी मेरी फुआ के लिए एक क्रीम। मेरी फुआ मेरे को वो क्रीम लेने के लिए बोली थी, तो मैं भी वो क्रीम खरीद लूँगी। क्रीम खरीदने के बाद सीधे घर जाऊँगी। मेरा बेटा इधर उधर जो खिलौना बच्चों का दिख रहा है वो वही लेने के लिए जिद कर रहा है, पर मैं उसे अभी नहीं दूँगी क्योंकि वो बच्चों का है, उसके काम का नहीं है। तो मैं क्रीम लेकर सीधे घर जाऊँगी दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं सुबह का 10:45। तो जैसे कि अभी मैं बाज़ार से आ गई हूँ, और बाज़ार से आने के बाद बेटे को थोड़ा फ्रेश किया, मतलब फ्रेश करके गई थी, फिर से फ्रेश कर किया। और मेरी दो एक बेटी, हाँ एक बेटी और एक बहन, दोनों मिलके राक्षस हो जैसा टूट पड़ी है इस मुनी पर। दोनों ब्रेकफास्ट कर रही है इतनी जल्दी, मतलब 11 बजे उनका ब्रेकफास्ट हो रहा है। यहाँ बैठने नहीं देगा ना, तो मेरा बेटा भी इन लोगों को सोफे में बैठने नहीं दे रहा है, इसलिए उनको बेड में ही बैठ के खाना पड़ रहा है। मैं बनाई हुई ये सब। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं बेटे को तेल वेल लगा दूंगी, उसके बाद किचन में जाऊंगी और किचन में जाके थोड़ा सा मम्मी का हेल्प करूंगी। अब इसको साग और चावल बन रहा है, एक तरफ चिकन बनाऊंगी। तो दोस्तों मैं जब बनाऊंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अभी बज गए करीबन 11:45 और मैं आ गई हूँ किचन। किचन में मैं बहुत देर पहले से थी दोस्तों, लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स कर रही थी, मतलब थोड़ा सा कुछ शूट कर रही थी, इसकी वजह से मैं सजी हूँ। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं तैयार हुई हुई हूँ, तो वो आप लोगों को मैं डाल दूंगी यूट्यूब में, आप लोग देख लेना। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ चिकन, तो मैं चिकन का पूरा रेसिपी आप लोगों के साथ ही शेयर कर पाई, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पूरा रेसिपी शेयर करना और डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं मतलब मसाला डालने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको अभी कसने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, और मेरा बेटा अभी कर दिया एक खराब काम, मतलब खराब काम बोले तो इस अपने वाटर बोतल का ये कैप छुड़ा दिया, मैंने उसे डांटा भी। और मेरे घर में अभी चावल बन चुका है दोस्तों, अभी बनेगा फिर साग बनेगा और नीम और बैंगन का फ्राई होगा, आप लोगों को जैसे पता ही है। बाबा गोड़ो मछे छूसना सूंग में पड़े, उसको मसाले का स्मेल सूंघना है, उसको अच्छा लगता है दोस्तों। तो आ जाओ, बाहर आ जाओ। ठीक है दोस्तों, मैं बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। ये लोग महारानी लोग आराम कर रही है, देख सकते हो।
हमेशा हाय बाय करती है और आराम करती है, और मेरा बेटा बीच बीच में इन लोग को बजाता रह रहा है, मतलब कभी कहीं मार दे रहा है, तो इन लोग का तबला बजते जा रहा है मेरे बेटे की वजह से। ये लोग का आराम तो मत बोलो, मत पूछो, मतलब मेरे को नजर लग रहा है इन लोग का आराम देख के, मैं कभी भी इतने आराम में आप लोग को नहीं मिली होंगी। आज मेरा सर दर्द दे रहा है, फिर भी आराम मेरे लिए हराम हो गया है। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलती हूँ। भाई घर में बहुत खराब चीज हो गया है, मतलब हमारे घर का कैंट जो है उसका जो बाहर का आउटर फिल्टर है वो थोड़ा सा लीक हो रहा है, तो पापा को भी फोन करूंगी, पापा जो करने को कहेंगे मैं वो करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। और अभी बज गया है शाम का 6:30, और हम लोग जैसे कि मेरी बहन और मैं और मेरी बेटी, हम लोग तीनों जा रहे हैं बाजार। तो बाजार में कुछ शॉपिंग करेंगे, तो शॉपिंग में क्या क्या करेंगे वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जरूर, और कहाँ कर रही हूँ ये भी बताऊंगी। तो अभी हम लोग को टोटो नहीं मिला, तो टोटो पकड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर और सामने वाले रास्ते पे। तो मैं वापस जाने के बाद आप लोगों से बात करती हूँ, अब अंधेरा आने वाला है इसीलिए, तब तक के लिए बाय। मैं पहुँच गई दोस्तों वीडियो, लेकिन मैं आप लोगों को वॉइस नहीं दे पा रही, वॉइस बाद में दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है पीछे म्यूज़िक बजा हुआ है तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो इसलिए मैंने वहाँ का वॉइस को बंद कर दिया और अपना बैक वॉइस दे रही हूँ। तो दोस्तों मैं दिखा रही हूँ आपको कि V2 में कितने सारे वेराइटीज़ है, मैं अभी लेडीज़ कॉर्नर में हूँ, और ये दुमका का सबसे वैल्यू एंड वेराइटी में बहुत आगे है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मॉल काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है दुमका के बाज़ार में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़रीदारी लोग करते हैं, और देख सकते हो सबको यहाँ पर मतलब ख़रीदारी के लिए कितनी भीड़ लगी रहती है हमेशा। तो मैं आप लोग को बैक कैमरे से पूरा दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के बज गए हैं 9:10, तो हमारे आने में लेट हो गया था, तो लेट होने की वजह से हम लोग, मैं और कुछ घर आने के बाद वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी घर मैंने बिरयानी ऑर्डर किया है, तो ये देख सकते हो ये सर्व कर रही है, बैक के मन से दिखा रही हूँ। तो अभी इसका बिरयानी सर्व चल रहा है मैडम का जी। मेरे बेटे को पता नहीं खाना है कि नहीं, लेकिन वो पूरा लग रहा है उसको कि वो खा लेगा ऐसा कर रहा है। भुआ की बेटी सर्व कर रही है, मैं नहीं करूँगी, उसको अच्छे से सर्व करना आता है, और बिरयानी उसको खाने का बहुत मन था, तो और मुझे भी खाने का मन था, इसलिए हमने बिरयानी ऑर्डर किया है। तो अभी हम लोग बिरयानी का मज़ा लेंगे, और मेरे बेटे के लिए प्लेन वाला रख दूँगी, वो खाएगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन वो हमेशा हर चीज़ में लालच करता है, खाता कुछ भी नहीं है। तो यही रहेगा आज हमारे डिनर मेनू में, मतलब घर में बना है खाना, लेकिन वो हम लोग नहीं खाएंगे, खाएंगे हम लोग सिर्फ बिरयानी और सलाद। तो बिरयानी यहाँ का मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ लाइफ में, क्योंकि इससे पहले दम बिरयानी मैंने कभी नहीं खाया था, तो मैं ये आज हैदराबादी बिरयानी का एक स्टॉल है वहाँ से मैं मंगाई हूँ, मतलब रेस्टोरेंट है वहाँ से मैं लगाई हूँ, तो चलो मंगाई हूँ। तो चलो दोस्तों मैं खाती हूँ, उसके बाद आपको उसी बात। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बिरयानी का थोड़ा सा जायका लेंगे, मज़ा लेंगे, उसके बाद आप लोगों से मैं नई ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी कल। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक, आप लोग अगर मेरा वीडियो आज का पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि आप लोग जब 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 तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं वीडियो का ऐसे ही मतलब हर वीडियो में बोलते रहूँगी कि कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल को आज नहीं देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल।